शिक्षण। महोदय, जहाँ तक विकास कार्यक्रमों का संबंध है, हाल ही में विद्युत चलित संयंत्र और गैर सरकारी तथा सरकारी रूप से नलकूप लगाने के कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस नवगठित भूमिगत जल बोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली गई है, जिसका कार्यक्षेत्र नलकूप संगठन से अधिक विस्तृत है। उक्त बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के एक विशेष क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष भारत की केंद्रीय सरकार ने जो प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूँ और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश को अनाज के मामले में 1970-71 तक आत्मनिर्भर बनाने का हमने निश्चय किया है और आत्मनिर्भरता के लिए 12 करोड़ टन अनाज वार्षिक पैदा करने का लक्ष्य रखा है और अगले 4 वर्षों में उसको पूरा कर इस वर्ष अच्छी उपज आ जाएगी, ऐसा लक्ष्य था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सर्दी की वर्षा आशा के अनुरूप न होने से पहले अनुमान के अनुरूप बहुत अच्छी फसल न हो सकेगी। अधिक उत्पादन के पूर्व अनुमान जो किए गए थे उसके आधार पर बना कर अब प्रोक्योरमेंट की योजना तैयार नहीं हो सकती। महाराष्ट्र जहां से मैं आया हूं, उस महाराष्ट्र में अनाज की काफ़ी पैदावार होगी ऐसा ख्याल था, लेकिन वर्षा न होने से वहां भी अनाज का उत्पादन कम होगा और कई ऐसे जिले व गांव हैं कि जहां आज अनाज की बहुत कमी है। इसलिए प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं होगा और इसलिए यह ख्याल है कि महाराष्ट्र राज्य को अनाज के बारे में सप्लाई करने का जो लक्ष्य था वह बढ़ाना पड़ेगा। बहुत से प्रयत्न अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए हो रहे हैं, उसमें अधिक उत्पादन आपको करना पड़ेगा और उसके लिए सुधरे हुए बीज, कृषि मशीनें, उर्वरक, सिंचाई, कृषि के लिए ऋण देना और भूमि सुधार आदि ऐसे कई उपाय कहे गए। मैं सिर्फ उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है मूल्य नीति। अनाज के बारे में जो मूल्य नीति है वह कैसी हो, मैं बराबर यह देखता हूँ कि अनाज के बारे में कोई मूल्य नीति नहीं है और जो है वह नीति उपभोक्ता जिसको कहते हैं उसके हित की है, किसान के हित की नहीं है। इस संसद में श्री राम सेवक यादव और कई ऐसे अपने उधर के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था और उसमें सरकार से मांग की गई थी कि अनाज की जो पैदावार है उसका मूल्य लाभकारक हो, लाभकारक ही नहीं बल्कि उसको उत्साहदायक भी हो। इस तरह से एक प्रस्ताव भी यहाँ से पास हुआ, सरकार ने उसे मान लिया। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन मूल्य निश्चित करना चाहिए, इससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे अधिक अन्न पैदा कर सकें।
इसके लिए प्रोत्साहित होंगे। अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग जिले के लिए एक परियोजना मंजूर की गई है। समस्त देश में से चयन किए गए जिलों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिए भारत सरकार ने विशेष एजेंसियां स्थापित की हैं, जिनको भारत सरकार से अनुदान मिलता है। ये एजेंसियां सहकारी ऋण और संस्थाओं के लिए जोखिम निधि प्रबंध संबंधी राज सहायता ऋणों के रूप में सहायता करेंगी। छोटे और सीमांत किसानों को पूंजी निवेश के लिए और इन किसानों को एकत्र आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत एजेंसियों को उक्त एजेंसी द्वारा निधि में से राहत सहायता दी जाएगी। छोटी समितियों को पर्याप्त और समय पर ऋण मिलना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये एजेंसियां छोटे किसानों को संस्थागत ऋण देने के लिए ठोस प्रयत्न कर रही हैं। व्यापक बैंकों के कार्यकरण में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे छोटे किसानों को ऋण मिल सके और वे अपना काम कर सकें। इस परियोजना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है। डेयरी और मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपए तक ऋण देने के लिए जमानत की शर्त भी हटा दी गई है। खेती वाले क्षेत्र की किसान जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हमने कुछ क्षेत्रों में इसके लिए परियोजनाएं चलाई हैं। इस प्रकार की 9 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और वर्ष 1970-71 में 15 और परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे वहां के उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए भिन्न भिन्न उर्वरक बीज तथा उर्वरक संबंधी रसायन में भूमि संरक्षण, भूमि समतल करने और छोटे किसानों के लिए राज सहायता दी जा रही है। जहां तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों का संबंध है, 54 जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रियायत की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम से एक वर्ष से कम में 25,000 से 30,000 तक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। वर्ष 1971-72 में ग्रामों में रोजगार दिलाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे ग्राम निवासियों को रोजगार मिलेगा। इन सब विशेष कामों के लिए 4थी पंचवर्षीय योजना में 338 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने भूमि सुधार पर अधिक ध्यान दिया है। असम में भूमि की अधिकतम सीमा 50 से घटाकर 25 एकड़ करने और तमिलनाडु में 30 से 15 एकड़ करने के लिए विधान में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में
संशोधन किया गया था और हाल ही की बैठक में भूमिगत सीमा संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में शामिल 7 मुख्यमंत्रियों ने भूमि की अधिकतम सीमा को लागू करने का अपना दृढ़ इरादा व्यक्त किया। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में भूमि सुधार कानून लागू किए। इन कानूनों के द्वारा गरीबों और भूमिहीनों को जमीनें दी गईं। स्टॉप।